भारत टीवी में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करती है। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज्य गौरीपुर है, जहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में श्रीमती बीना देवी नजर आ रही है। बता दें जिनका प्रतिनिधित्व पवन मंडल कर रही है। पवन मंडल ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं तो चलाई जा रही है, लेकिन पंचायत में आज तक कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रही है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती बीना देवी गौरीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हैं। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत क्षेत्र का बेहतर विकास होगा, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचेगा। आज हम पहुंचे हुए हैं बांका जिला के चांदन प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है गौरीपुर। गौरीपुर से युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में श्रीमती बीना देवी है, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पवन जी। पवन जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर पंचायत गौरीपुर के सम्मानित जनता जनार्दन इनके धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी को अपना आशीर्वाद देकर पंचायत के मुखिया के पद पर सुशोभित करता है तो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा कार्य होगा। हमारे बीच पवन जी हैं, इनसे हम जानेंगे। जी पवन जी, पहले हम पंचायत वासियों को प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि अगर हमें एक बार मौका दे तो हम सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजना है हम उसको धरातल पर पूरी पारदर्शी तरीके से लागू करेंगे। जी जी, चाहे वह जन वितरण प्रणाली की दुकान की बात हो, बिल्कुल, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसानों के लिए सिंचाई कूप की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी जो है जो कि कहीं अगर गलत स्थिति से चल रहा हो, चाहे उसका उस बच्चे की बात हो, चाहे विधवा पेंशन, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, उसको हम बेहतर तरीके से हम उसको निगरानी करते हुए उसको हम सुचारू रूप से चलाना चाहेंगे। विद्यालय में जहां तक कि शिक्षक के जितने भी विद्यालय हमारे यहाँ शिक्षक हैं, अगर विद्यालय शिक्षकों के ऊपर भी हमारी निगरानी होगी कि हम देखेंगे वो समय से कम समय से पहुँचे, समय से आवे और समय से जाए और बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ावे, ताकि हमारे पंचायत के जो भी बच्चे हैं कम से कम योग्य और आगे बढ़कर कुछ उसका भविष्य उज्जवल हो। इस दिशा में हमारा हर समय प्रयास रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जहां जिस गांव में रोड नहीं पहुंचा है, जहां गंदगी है, जहां नाली नहीं व्यवस्था है, हम नाली और गली का काम करेंगे और रोड का भी जिस रोड पर काम नहीं हो चुका है उस गांव में हम रोड से जोड़ेंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम हर संभव, चाहे वह कोई भी शोषण करने वाला हो, उससे हम बेहतर तरीके से निपटेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मुखिया प्रत्याशी का नाम बताएं। मुखिया प्रत्याशी मेरी पत्नी है बीना देवी। जी जी, उसका मैं प्रतिनिधित्व में कर रहा हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिनिधित्व करने का मुझे जनता के बाद मुझे मौका दे। निश्चित तौर पर पवन जी में काफी एक जोश और खरोश है, चूंकि पंचायत में पवन जी का यह प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा जो भी संचालित जन लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो पारदर्शिता के साथ जनता तक पहुंचे, चाहे पंचायत के शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, या पंचायत के किसानों से जुड़ा हुआ किसी भी व्यवस्था की बात हो। पवन जी का यह मानना है कि अगर जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया और हमारे धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी को पंचायत के मुखिया चुना तो निश्चित तौर पर एक इतिहास बनाऊंगा और पंचायत का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत स्तर पर स्थापित करूंगा, क्योंकि हमारा जो जिला है अति पिछड़ा जिला में आता है, हमारा क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर सरकार द्वारा योजना तो बहुत सारी चलाई जाती है लेकिन योजना धरातल पर आते आते कहीं ना कहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि आज भी पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी इस बार पंचायत के मुखिया के प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में है, अगर जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो पंचायत का बेहतर विकास करूंगा। मैं दीनदयाल तिवारी, पप्पू यादव कैमरामैन के साथ बांका से। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।